नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं इंपेरिकल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर कुछ देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स जब बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का पेपर उनका कैसा रहा, किस तरीके का लेवल पूछा गया और आज कौन कौन से नए चेंजेस देखने के लिए मिले, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले और आज का उनका स्कोर क्या रहा। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? खुशबू वर्मा। खुशबू जी, कहाँ से आए आप? मैं खंडवा से, आगे खालवा से। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? 62 आपका स्कोर रहा। और आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? इधर बैठे थे तो दिखा ही नहीं मुझे। अच्छा, आपके आसपास का स्कोर क्या रहा? किसी का 40 था, किसी का 34 था, ऐसे ही था, इतना ही पता चले मेरे को। लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? शायद 34, उसके आगे हो तो नहीं पता फिर। अच्छा, आपने देखा नहीं? मैं इधर थी ना सबसे आगे। 62 आपका स्कोर है जी। बताइए आप पेपर के बारे में थोड़ा बताइए, पेपर का लेवल कैसा रहा? ठीक ही था, अच्छा था। मतलब अच्छा। रीजनिंग में मिरर इमेज से पूछा था, दर्पण पूछा था और मैथ्स में CISI पूछा था। अच्छा। और एक पूछा था सलमान खान का मतलब जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा, जीके में। और रोंग नंबर सीरीज पूछी थी। और वो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के मिले। परसेंटेज से क्वेश्चन? परसेंटेज से था, एक था। किस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला? प्रॉफिट लॉस का था, इतना भी याद नहीं अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट लॉस से एक था। एवरेज से? एवरेज से नहीं था। और एलिगेशन से? एलिगेशन से था। रेशो एंड प्रोपोर्शन से? इससे भी था, दो क्वेश्चन थे उससे। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस उससे भूल गई मैं, उससे शायद। रेलगाड़ी से? रेलगाड़ी से एक था। नावधारा से? एक था उससे भी। प्रायिकता से क्वेश्चन? हाँ था, एक ही था। या एक ही था प्रायिकता से तो। एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एडवांस से दो। हाँ। कौन कौन से टॉपिक याद है आपको? वो तो याद नहीं क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था वो मैंने। ठीक है, अब अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? नंबर सीरीज भी थी, दर्पण मिरर इमेज भी था, ज़्यादा ही था वो भी। काउंटिंग फिगर से? काउंटिंग फिगर नहीं, वो नहीं था। काउंटिंग फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन अभी पिछली शिफ्टों में आ रहे, तो आपको इस शिफ्ट में देखने के लिए नहीं मिले? काउंटिंग फिगर तो नहीं दिखा मुझे। वो सीरीज से? सीरीज थी, उसे 2-3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से? डायरेक्शन नहीं था। और ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड रिलेशन भी नहीं। क्लॉक से एक था, एक वो मतलब उसमें से कितना, हाँ ऐसे था मतलब उसका। और कैलेंडर से क्वेश्चन? कैलेंडर से 2 पूछे थे। रैंकिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? रैंकिंग से नहीं था, नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट से? नहीं। पजल से? पजल से तो एक था शायद। और वाटर इमेज और मिरर इमेज थी बहुत। और GK GS का लेवल कैसा रहा? ठीक था वो तो, वो मैंने मतलब इतना पढ़ा नहीं था अच्छे से इसलिए। कितने दिन की तैयारी थी आपकी? मेरी 3 महीने की थी। 3 महीने की तैयारी में आपके 62 नंबर आ गए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अभिषेक पालिया। अभिषेक जी, कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से, आपने सेंटर ग्वालियर डाला था या फिर? नहीं, ग्वालियर डाला था, भोपाल डाल जाता पटक दिया। अच्छा, खंडवा डाला था कि नहीं सेंटर? नहीं डाला, जो सेंटर नहीं डाला तो वही मिल गया है। हाँ। चलो ठीक है, पेपर की बात करते हैं, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 63। और आपकी लैब में हाइस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? नहीं था, 69 नंबर से। 69 हाइस्ट था। और आपके आसपास का स्कोर क्या था? कुछ भाई 40 में 30। और लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? 35-34। अच्छा, चलो पेपर की बात करते हैं तो पेपर का लेवल कैसा रहा? मतलब GS का लेवल हाई था, मतलब मैथ रीजनिंग तो वही चल रहा है जो चल रहा है। जैसे 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स रीजनिंग GK GS, तो आपको कौन सा मतलब टॉपिक ज़्यादा ईजी लगे? रीजनिंग। रीजनिंग जी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग बन जाती है। हाँ। और मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन ने ज़्यादा परेशान किया आपको? एडवांस से क्वेश्चन दे 2। एडवांस में कौन से टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे? आयत वगैरह से थे। हाँ। एक वर्क था मतलब उसमें वो पूछी थी। हाँ। और हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में CISI से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? नहीं, CISI मतलब साधा ब्याज थे, था एक क्वेश्चन। हाँ। जैसे अभी पिछले कुछ शिफ्टों में 2-3 क्वेश्चन CISI से आ रहे थे। एक ये साधा ब्याज का था, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा। लाभ आने से 2 क्वेश्चन। और एवरेज से? एवरेज थे नहीं था। ट्रेन से थे 2 क्वेश्चन, एक नावधारा रेलगाड़ी से था। और LCM वगैरह थे 2-3 क्वेश्चन LCM के। आपका टाइमिंग का कुछ इशू रहा?
टाइमिंग कुछ नहीं, मतलब 15 मिनट बस बच गया। हाँ, जीके जीएस का लेवल कैसा था? जीएस का हाई था, एमपी नहीं पूछिए, एक क्वेश्चन मुझे निरत से। हाँ, इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चन। अच्छा, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं? बैंकिंग इतने नहीं थे वो, मतलब नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स से दो क्वेश्चन उसके बारे में पूछा था, मतलब गठन, मतलब गठन वगैरह, मतलब बाई डेट पूछी थी। और करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट नहीं, 2014-15 का पूछा था कुछ। हाँ, मतलब नीति आयोग, मतलब उसके बारे में पूछा था एक क्वेश्चन। हाँ, जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? नहीं। हिस्ट्री से? हाँ था, बंगाल विभाजन, मतलब मुस्लिम बागी लीग की स्थापना 1906 में हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से? सब नहीं था। एमपीजीके से? नहीं था, ये क्वेश्चन था निरत का। ओवरऑल पेपर की बात करें, एमपी का पता सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, कहाँ से आए आप? यूपी। यूपी से आप पेपर देने के लिए आए हैं, कैसा रहा आपका पेपर? 68 नंबर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? यही रहा, 68 ही था। अभी मैंने 2-3 के रिव्यू लिए तो अभी 68, 62 और एक 65, ऐसे ही नंबर सुन। हमारी लैब में तो मैं नहीं थी लास्ट। तो पेपर का लेवल अब मिला क्या आपको? आज थोड़ा लेवल बढ़ गया। अच्छा। एक तो प्रायिकता के सवाल आए, 3-4 लगातार ऐसे। प्रायिकता के 3-4 क्वेश्चन आए? और एमपीजी के भी दिया 4-5 सवाल। एमपीजी के से 4-5 क्वेश्चन। और जो अपने चक्रवर्ती ब्याज तो था नहीं, साधारण ब्याज के थे 2-3 सवाल, और भी थे। और कौन कौन से नए टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? नए तो नहीं, बस यही थे सब, 85 से ही सब, अनुपात के थे, 100 IU के थे, 9 धारा के थे। हाँ, हार्ड थे, मतलब आसान नहीं थे आज कोई भी ऐसा कि आज आसान था। हाँ, तो मैथ्स और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? लगभग ये 65 पूरे। 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे और 35 क्वेश्चन जीके जीएस थे। जीके का आज बढ़िया लेवल था। हाँ, जीके जीएस में क्वेश्चन बनने जैसे थे, मतलब डायरेक्ट पूछ रहा था या फिर घुमा फिरा के? घुमा के पूछ रखे थे सारे, आज मुझे नहीं लगता किसी की हाथ जीके लगी। हाँ, हम भी मैथ रीजनिंग का ही स्कोर रहा हमारा भी, जीके में तो हम भी पकड़ में नहीं आई कुछ। जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? कुछ क्वेश्चन आपको याद रहे हो तो आप बता सकते हैं? याद तो एक ही है अभी तो, सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, अरे एक तो हो रहे सही से मेरी याद भी नहीं है क्योंकि। जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जियोग्राफी से हाँ था एक सवाल, ये शुक्र मंगल का जो तापमान है वो किस कारण है, ये किस गैस के कारण हो रहा है? हाँ, ये था। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं था आज कोई सवाल शायद, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से? संविधान से भी नहीं शायद, नहीं। अच्छा, आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि नहीं? नहीं आज नहीं थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ, कोई एक पता नहीं था, ऐसा सवाल आया कि उसका यही नहीं पता लगा कि वो क्या है, मतलब जैसे पूछ लेना इनके नृत्य हैं कि क्या है सब कुछ, आज डिफिकल्ट थी मतलब जीके, बिल्कुल जीके का लेवल मतलब अच्छा था, मतलब आज का पेपर ही अच्छा था बिल्कुल। इतना ही लास्ट है 68 से ये 65-67 देखा कि 38-40 औसतन इतने नंबर हैं आज, एवरेज स्कोर जो था 40 और 40 एवरेज स्कोर आज ना तो 40 था। आपको लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? लोएस्ट मुझे मिला 28 नंबर, मतलब आज के पेपर का लेवल अच्छा ही रहा है। जैसे मैंने अपना पेपर करने के बाद देखा तो वहाँ मैंने देखा वहाँ 28 सारा घूम के देखा मैंने, जैसे एग्जाम हो गया सब 28। अच्छा, अब जिन कैंडिडेट्स की एग्जाम आप अगले कुछ दिनों में है तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैथ रीजनिंग तो है ही जो, लेकिन थोड़ा जीके पर ध्यान दें। जीके का थोड़ा लेवल पढ़ रहा है आजकल, मैथ का पढ़ रहा है वैसे तो, लेकिन जीके पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल तो 80 के एयर पर बना ले जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।